आज मैं आप लोगों को सुदर्शन पौधे का जो लंबे लंबे पत्ते देख रहे हो हरे हरे, इसका कंद देख रहे हो और इस कंद के नीचे जो लंबी लंबी जड़ें होती है, तो इन तीनों का ऐसा प्रयोग बताऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि यह सुदर्शन पौधे का औषधि प्रयोग भगवान की सुदर्शन की तरह ही अचूक होता है। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और उसके बाद लाइक करें, अगर पसंद आए तो शेयर करें ज़रूरतमंद को। और इसी तरह की जानकारी हमेशा पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन घंटी सेलेक्ट करें और हमारे साथ जुड़े रहें और नए नए वनस्पति विज्ञान का वीडियो देखते रहें। तो सबसे पहले आप इस ताकतवर सुदर्शन औषधि को अच्छे से देख करके पहचान लो कि इसका पत्ता कैसा होता है, किस तरह से दिखाई देता है, इसका कंद कैसा होता है, इसके कंद के नीचे जड़ कैसा होता है, यह सभी चीज़ देख लो आप। यह औषधि हर स्त्री पुरुष के लिए समान रूप से लाभकारी है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस सुदर्शन पौधे का जो लंबे लंबे पत्ते देख रहे हो, इस पत्ते के फायदे सबसे पहले बता देता हूँ। अगर किसी भी प्रकार का कान का दर्द हो या कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो आप याद रखिए इन सुदर्शन की पत्तियों को मसल करके गर्म करके इसका रस निचोड़ लीजिए, क्योंकि इसे ऐसे ही कच्चे पत्ते को रगड़ने पर रस नहीं निकलता है और जब थोड़ी सी गर्म कर दिया जाए तो रस टपकने लगता है। और इस तरह से रस निकालने के बाद आप इसके रस को, सुदर्शन के पत्तों के रस को, सिर्फ 4-5 बूंद कान में टपका दो, कान में डाल दो। इससे आपका कान का हर प्रकार का रोग खत्म हो जाएगा, जैसे कान का दर्द, कान में कम सुनाई देना, इस तरह का समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यह एक ज़बरदस्त प्रयोग है दोस्तों, कान के दर्द को ठीक करने के लिए, कान के बहरापन को दूर करने के लिए। और दोस्तों, इसके अलावा इसके पत्तों को गर्म करके सूजन वाले स्थान पर, दर्द वाले स्थान पर बांध दिया जाए तो सूजन और दर्द में तुरंत राहत मिल जाता है। इस तरह से यह सूजन और दर्द को भी हर लेता है। अब दोस्तों, यह जो सुदर्शन का कंद देख पा रहे हो, इस मोटे प्याज की तरह दिखने वाला इस सुदर्शन कंद के बारे में आपको बता देता हूँ। तो इस सुदर्शन प्याज को आप खोद करके कूट पीस करके इसका चटनी बना दो। उसके बाद इस चटनी को यानी पेस्ट को किसी भी प्रकार के बवासीर के मस्सों में लगाने से बवासीर के मस्से का दर्द शांत हो जाता है और मस्से सूख करके झड़ जाते हैं। बवासीर के मस्सों के लिए अचूक दवा है दोस्तों, और यह सुदर्शन का कंद जहर को भी खत्म करने में सक्षम है। बिच्छू, ततैया, जहरीली चींटियों का विष उतारने में यह पूरी तरह से सक्षम है। अगर इसका पेस्ट डंक मारे स्थान पर लेप कर दिया जाए तो कुछ ही देर में सारा जहर का जलन शांत हो जाता है, दर्द शांत हो जाता है, जहर खत्म हो जाता है दोस्तों। तो अब मैं आप लोगों को सुदर्शन के कंद के नीचे वाले जड़ की बात बता रहा हूँ आपको, जिसे देखने पर सतावर की जड़ के समान दिखाई देता है और यह सतावर से कई गुना ज़्यादा ताकतवर जड़ है, दवाई है। आप इसी सुदर्शन की जड़ को सतावर की जड़ का चूर्ण के साथ और अश्वगंधा की चूर्ण के साथ मिला करके बराबर मात्रा में सेवन करते हो तो आपकी सेहत, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और फिट रहेगा। आपके शरीर में सप्त धातुओं की तेजी से पुष्टि होगी। इन तीनों के पाउडर को मिलाकर खाने से आपके शरीर को बलशाली, सेहतमंद, स्मार्ट, फिटनेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लंबी आयु जीने के लिए आप हमेशा इन तीनों का पाउडर मिला करके सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ सेवन करते रहिए। अश्वगंधा, सतावरी और सुदर्शन की जड़, इन तीनों का पाउडर सेवन करने से पहले आप त्रिफला चूर्ण से एक बार अपना पेट साफ जरूर कर लें, कब्ज को पूरी तरह से ख़त्म कर लें। उसके बाद सुपाच्य भोजन लेते हुए शुरुआत करें। खट्टी तली भुनी चीज़ों का सेवन कम से कम करें। अगर आप इस तरह से नियम विधि में बंद करके सेवन कर बुढ़ा को जवान कर देने वाला इन तीनों औषधियों का लगातार सेवन करोगे कम से कम 3 माह तक, तो आपकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी, ताकत का एहसास करके वह उछलने लगेगा, क्योंकि नस नस में जोश भर जाएगा, उमंग भर जाएगा, कार्य करने की उत्साह आ जाएगी। तो दोस्तों, आप इस औषधि को अच्छे से देख करके पहचान लो और ज़रूर इस्तेमाल करो। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी खा सकता है अपनी ताकत को दुगना बढ़ाने के लिए। इस सुदर्शन पौधे की जड़ का बहुत ही शक्तिशाली औषधि प्रयोग है यह। तो अब आप बताइए दोस्तों, इन तीनों औषधियों का योग मिश्रण की दवा की जानकारी आपको कैसी लगी?
अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूरतमंद को यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और हो सके तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। इसी तरह की हमारी हमेशा जानकारी वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आयुर्वेद अपनाइए और खुश रहिए। नमस्कार।